नमस्कार दर्शक मित्रों, स्पीड न्यूज 17 में आपका हार्दिक स्वागत है। दबंगों ने महिला के साथ की बदसलूकी की। जनपद रामपुर के कैमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत भंवरका निवासी लक्ष्मी देवी का विवाह कोतवाली मिलक क्षेत्र के रामनगर की गोटिया निवासी चंद्रपाल से हुआ था। कुछ वर्ष बाद महिला को पति ने छोड़ दिया था। उसके बाद महिला की मां ने भंवरका गांव में 4 बीघा जमीन व 1 मकान नाम करा दिया था। इस दौरान कुछ लोगों ने कूट रचित दस्तावेज तैयार कराकर उसी जगह के बीच में होकर रास्ते निकालने लगे और महिला के खिलाफ फर्जी बेनामा दस्तावेज तैयार करा लिए। महिला ने इसकी जानकारी रजिस्टर मिलक को दी तो बेनामा नहीं पाया गया, लेकिन कुछ लोग बाबू का पुत्र जमीन खान, ओम प्रकाश पुत्र लीलाघर रईस, दुल्ला पुत्र ताहिर उस जमीन को अपना बताते हैं। हमारे संवाददाता राजीव कुमार ने घटनास्थल पर जाकर महिला से पूछताछ की। इस दौरान महिला ने बताया कि रात्रि 11 बजे यह तीनों लोग मेरे घर आए थे और तमंचे के बल पर मुझे चारपाई से उठा लिया और महिला के साथ छेड़खानी करने लगे। पूछताछ में महिला ने बताया कि गुप्तांग भी दबाए थे। महिला की चीख सुनकर बच्चों ने शोर मचाया और तीनों दरिंदे महिला को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। महिला ने चौकी प्रभारी हरजिंदर पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग मुझे धमकाते हैं और दबाव डालते हैं। अब महिला ने न्याय की गुहार SP शगुन गौतम से लगाई है। रिपोर्टर सुरेश राज पुरोहित, बारवा। नाम है आपका? लक्ष्मी। पति का नाम क्या है? चंद्रपाल। कहाँ की रहने वाली है? भंवरका। क्या हुआ आपके साथ? मैं हमारे घर में एक तारीख को 11 बजे घुसे थे ये लोग, एक ओम प्रकाश, एक बाबू का, एक रही दूल्हा। अच्छा। बाबू खा के हाथ में तमंचा था और ये लोग बोले कि वो जान से मार देंगे। खाट पे से उठा के ये अंदर ले गए, बदतमीजी कर रहे थे जब तक बच्चे जग गए। उसके बाद ये छोड़ के भाग गए, बोले अगर तू हीन से नगी तो तुझे हम गोली मार देंगे और अगले को ध्यान रखना, नहीं तो हम फिर बेइज्जती करेंगे। और उस दिन से बोले गोली मारेंगे तो अपने घर छोड़ के चले जा, 2 लाख रुपए ले ले अपनी जगह के और लेकर जा हीन से। जगह का जबरिया घर में रोट निकाल रहे हैं और मेरी नींव पड़ी हुई है और मैं अपनी, मेरी बहन है एक गाँव में, उनके घर रह रही हूँ। चौकी गई, चौकी वालों ने सुनी नहीं, थाने गई, थाने वालों ने भी नहीं सुनी। और SP साहब के पास गई, बहुत रिपोर्ट दे चुकी, 10वीं बार हो गई, लेकिन कहूँ सुनवाई नहीं है मेरी। और ये चौकी वाले अतुल है और हरेंद्र और कौशल, ये मेरे घर आते हैं रात को, तेज सिंह, और मुझे धमका देते हैं और कभी मुझे चौकी पे बुलाते हैं कि वो तुम चौकी आओ, फैसला करो, ज़बरदस्ती दबाव डालते हैं। बदमाश लोग हैं ये, और बाबू खां और ये लोग ये मेरे घर में घुसे थे, ये पैसे देते हैं और वो हमें आके धमकाते हैं, कहते हैं तू कहीं भी चले जा, तेरा कुछ नहीं होगा, कहीं हमारा किसी से भी कुछ नहीं होगा। तो मैं अपनी दीदी घर रह रही हूँ, 1.5 महीना हो गया, मैं डर के मारे जा नहीं रही हूँ। जमीन भी मैं जाती हूँ तो मुझे टॉर्चर करते हैं। उस दिन खेत पे गई थी तो खेत पे भी इन लोगों ने घेर लिया, बोले जब ये फैसला कर नहीं तो हम तुझे गोली मार देंगे। इन चार्ज हैं अतुल और तेज सिंह, हरेंद्र, दरोगा, वो पूरे स्टाफ को लेकर मेरे घर आते हैं और मुझे परेशान करते हैं। कभी रात को बुलाते हैं, कभी दिन को बुलाते हैं, कभी फ़ोन करते हैं कि हमारे घर, हम चौकी पर आओ और फैसला करो। क्या मतलब है मेरा, मैं महिला हूँ, मेरा बुलाने का क्या मतलब है? रात के 9 बजे बुलाते हैं, कभी 10 बजे बुलाते हैं, कभी 8 बजे बुलाते हैं, कभी मेरे घर आते हैं, मुझे धमकाते हैं और चले जाते हैं रोज़ रोज़। जब भी मैं उधर को निकल